दिखानी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं हिम्मत नहीं करती अपने पिताजी की वजह से शायद आज मैं ये नहीं होती, अगर मैं हिम्मत नहीं करती अपने चैंपियन की वजह से, आप लोगों की वजह से, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो वो दम तो दिखाना है, वो दम तो हमें अपने इस मिट्टी पे रखना है, तभी आप जो चीज आप चाहते हो पूरा कर पाओगे। अभी मैं आपको एक वीडियो देखना, उस वीडियो में हर वो फोटो है, हर वो वीडियो है जो मैं देखती थी जब चैंपियन मेरे साथ नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा उस वीडियो को भेजते थे मुझे, उन वीडियो को देख देख के मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ती रही जब चैंपियन मेरे साथ नहीं था। चाहे वो कैंप्स हो, चाहे वो इन सर्विस जाना हो, चाहे वो किसी इवेंट में जाना हो, क्योंकि उसके छोटे बच्चों को लेके मैं नहीं जा सकती थी। और मैं अगर चैंपियन को ये बोलती ना जब वो छोटा था कि बेटा मैं तेरे साथ नहीं थी क्योंकि मुझे, मैं तेरे साथ थी अगर मैं चैंपियन के साथ रहती और मुझे ये रहता कि भाई ये मेरा बच्चा है मुझे इसके साथ रहना है, वो 4 महीने का है, 6 महीने का है, और कल को जब वो बड़ा होता है और मैं उसे बताती कि चैंपियन मैं आज इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मुझे तेरे साथ रहना है, तो मैं उसे आंखें भी नहीं दिखा पाती, बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। सिर्फ अपना एक वो प्रॉमिस रखने के लिए आप लोगों के साथ जो मैंने किया है, आई डिड एवरीथिंग और मैं आगे भी करती रहूंगी। हमेशा हमेशा कमिटमेंट टेस्ट होता रहेगा, हम सबका कमिटमेंट टेस्ट होता रहेगा, आज भी होता है मेरा कमिटमेंट टेस्ट। बट एक चीज मुझे क्लियर है, मुझे फेल नहीं होना है, मैं धीरे धीरे चलूंगी, मैं आगे बढ़ती रहूंगी बट मैं फेल नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैं फेल हो गई तो सब प्रॉमिस मेरे टूट गए, सारी हिम्मत मेरी गई। आप ये वीडियो देखोगे ना, यू विल सी योर सन, यू विल सी योर डॉटर, यू विल सी योर पेरेंट्स इन द वीडियो, और इसी वीडियो की वजह से मैं आज यहाँ स्टेज पे हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। अगर ये वीडियोस मेरे पास नहीं आती तो मुझे नहीं पता कि शायद मैं जिंदा भी नहीं है। ये मेरे लिए ऑक्सीजन थी जब मैं चैंपियन से दूर रहती थी, अपने पेरेंट्स से दूर रहती थी। हिम्मत करो, लोगों की मत सुनना, क्योंकि मेरे को भी इल्जाम लगाया गया था यू आर अ बैड मदर, और अगर मैं शायद किसी की सुनती तो शायद मैं अपने बेटे के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाती, मैं वहीं की वहीं रह जाती। तो इल्जाम तो लगते रहेंगे बट आपको पता होना चाहिए कि आप ऊपर वाले के दिया हुआ काम सही कर रहे हो कि नहीं। आसान नहीं होगा, मेरे भी बहुत आंसू, अभी भी दुख हो रहा है मुझे, अभी भी मुझे गूज़फ्रेश हो रहा है कि मैंने कैसे किया, बट वो होता रहा। थैंक यू सो मच।